वेलकम टू माय चैनल। आज हम जूनियर शिक्षक भर्ती की जो नियमावली है उसके बारे में बात करेंगे, जो 18 जनवरी 2021 को जारी की गई है परीक्षा नियामक प्राधिकारी को, जिस जो भर्ती कराने वाली संस्था है। इस जो नियमावली में दिया गया है कि जो कटआफ है वो 60-65 लगेगी। अब इसको आपको 60-65% की जो कटआफ है वो लगी हुई है। इस जो विषय है इस नियमावली का उसमें है सहायक अध्यापक जो जूनियर हाई स्कूल में हैं उनके जो है शैक्षिक योग्यता क्या रहेगी भर्ती के लिए और परीक्षा कैसे कराई जाएगी। जिसमें परीक्षा के बारे में अगर बात की जाए तो उसमें दिया गया है कि लिखित होगी या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। और प्रधानाचार्य पद के लिए दिया गया है कि जो परीक्षा होगी वह होगी एकदम स्नातक स्तर की, जो उसमें क्वेश्चन रखे जाएंगे। स्नातक स्तर का कहने का मतलब हुआ कि इसका कठिनाई स्तर ज़्यादा होगा। प्रधानाचार्य पद के लिए जो है 5 वर्ष का जो है आपका शिक्षण का अनुभव रहना चाहिए। अगर आप 5 वर्ष से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें BTC और BEd के लिए भी दिया गया है कि क्या क्या कार्यक्रम होगा, इसका अलग से नोटिफिकेशन बाद में आएगा। तो चलिए इसको PDF के रूप में देखते हैं। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं जो प्रेषक हैं RV सिंह विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज बेसिक शिक्षा अनुभाग 3 के लिए दिया गया है। 18 जनवरी 2021 को जारी किया गया है लखनऊ से। इसमें दिया गया है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में। इसमें दिया है कि जो ये लेटर है दिनांक 19/3/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जो हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में किया गया है। तो देखिए इसमें जो अधियाचन है वो शिक्षा निदेशक द्वारा भेजा जा चुका है और इसमें भारत का नागरिक हो। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या है वह जो है नियमावली 1978 में दिया गया है उसके अनुसार होगा। और आवेदन हेतु निवास उत्तर प्रदेश का निवासी हो। और इसमें जूनियर हाई स्कूल है 7वां संशोधन के द्वारा ये किया गया है। अगर दूसरे पेज पे जाएं तो आप देख सकते हैं भर्ती का परीक्षा का प्रकार जो है दीर्घ उत्तरी या लघु उत्तरी या वस्तुनिष्ठ के रूप में होना चाहिए या तो फिर OMR सीट के द्वारा होना चाहिए। तो अशासकीय प्राप्त सहायक विद्यालयों में भर्ती परीक्षा का आयोजन वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाए। प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के समस्त रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा विषयवार होगी, जैसे हिंदी अंग्रेजी संस्कृत विज्ञान सामाजिक विज्ञान सामान्य अध्ययन। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो परीक्षा होगी वह विषयवार होगी और सभी के लिए अलग अलग जो है आयोजित की जाएगी या तो एक साथ भी की जा सकती है। जो सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती जो होती है TET परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा आयोजित की जाए, मतलब जो TET होता है उससे हाई लेवल के क्वेश्चन आंसर रहना चाहिए। प्रधानाध्यापक हेतु जो परीक्षा होगी कठिनाई स्तर का जो लेवल है वह स्नातक रखा जाएगा। प्रधानाध्यापक पद पर 5 वर्ष सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव की अनिवार्यता है। साथ ही प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को विद्यालय प्रबंध के संदर्भ में भी ज्ञान होना अनिवार्य है। तो आपको कहना यही है कि प्रधानाध्यापक प्रबंधन हेतु जो संदर्भित 50 प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी OMR आधारित पृथक से प्रश्न रखा जाए, मतलब जो प्रबंधन से लेकर मैनेजमेंट से लेकर के आप क्वेश्चन है वो 50 अलग से रखे जाएंगे जो प्रिंसिपल की भर्ती होगी। इसमें जो परीक्षा की अवधि होगी 1 घंटे होगी एवं परीक्षा का आयोजन सामान्य प्रश्न पत्र के उपरांत कराया जाए। तो मतलब पहले सामान्य प्रश्न पत्र होगा उसके बाद 1 घंटे का इसमें अलग से क्वेश्चन होगा प्रधानाध्यापक के लिए। सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के हेतु पृथक पृथक आवेदन, देखिए आवेदन जो है सबके सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक पद के लिए अलग अलग होंगे, लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी चाहता है कि दोनों में करें तो वो एक ही आवेदन में दोनों के कर सकता है। और लेकिन शुल्क जो है अलग अलग दर से दे होगा।
भर्ती की परीक्षा आयोजन हेतु परीक्षा के विषयवार पाठ्यक्रम बिंदु संख्या छक की भांति बिंदु संख्या छक की भांति वो उसमें दिया रहेगा। और परीक्षा एक दिवसीय आयोजित कराई जाएगी या तो फिर विषयवार अलग अलग दिवसों पर कराई जाएगी। प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक परीक्षा पृथक पृथक आयोजित जो आयोजित की जाएगी। ये जो दसवां पॉइंट है इसमें बात करें तो दिया है कि प्रश्न पत्र की संरचना एवं विषय वस्तु परीक्षा की अवधि क्या होगी। उक्त परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा का पूर्णांक 150 अंक का होगा। प्रश्नों की संख्या 150 होगी। और उत्तीर्णांक जो कट ऑफ है वो देखिए निर्धारित की जा रही है। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती सेवा की शर्तें नियमावली 1978 सातवां संशोधन 2019 के अनुसार क्या की जाएगी, मेरिट तैयार की जाएगी। भर्ती परीक्षा को उत्तीर्णांक सामान्य वर्ग के लिए, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सामान्य वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए उत्तीर्णांक 65% तथा सभी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की उत्तीर्णांक 60% रखा गया है। और इसके बारे में जल्दी कार्यवाही करने के लिए आर्डर दिया गया है RV सिंह द्वारा, जो विशेष सचिव है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।